पता है मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट ऑफ द मूवीज PG-13 होती हैं। जो चीजें हमें ऑन स्क्रीन दिखाई जाती हैं, वो ना ही ब्रूटल होती हैं, ना ही डिस्टर्बिंग होती हैं, ना ही उन मूवीज में कोई गलत वर्ड का यूज किया जाता है। बट मार्वल यूनिवर्स का इतना ज्यादा संस्कारी नेचर सिर्फ उनके लाइव एक्शन मूवीज तक ही सीमित है। अगर तुम मार्वल की कॉमिक्स की तरफ अपने नजरों को घुमाओगे तो तुम्हें ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में अगर मैंने इस वीडियो में बात कर दी तो शायद ये वीडियो बैन भी हो जाएगा। बट इसके बावजूद भी आज हम मार्वल कॉमिक्स के कुछ डिस्टर्बिंग मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा सही लगते हैं, बड़े आराम से किसी भी आर रेटेड मूवी में दिखाए जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हल्क एंड डेडपूल से। अब देखो कॉमिक्स में जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं नो डाउट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल चीजें होती हैं। बट एक बार डेडपूल इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो खुद ही हल्क के सामने जाके खड़ा हो गया क्योंकि भाई साहब खुद को टपकाना चाहते थे। अब अपना हल्क दिल का इतना साफ है कि उसने डेडपूल से एक भी सवाल नहीं पूछा एंड उसे एक तगड़ा सा पंच मार दिया। एंड ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिटरली में डेडपूल के चीथड़े उड़ गए। बट इसके बावजूद भी बेचारे की टपकने की इच्छा पूरी नहीं हुई एंड कैप्टन अमेरिका ने उसे बचा लिया। एंड मुझे नहीं पता बट डेडपूल के साथ जब भी कुछ डिस्टर्बिंग होता है तो वो डिस्टर्बिंग होने से ज्यादा फनी लगने लगता है। अब अगले कॉमिक बुक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है। अल्टीमेटम नाम के कॉमिक में जब डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट डोरमामू से हो रही होती है तब डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लॉक ऑफ लेविटेशन पे एक ऐसा स्पेल कास्ट कर देता है जिसके वजह से क्लॉक ऑफ लेविटेशन लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज को ही जकड़ने लगता है एंड वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर नहीं फट जाता। मतलब तुम खुद सोचो इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन और क्या हो सकती है। वेल इसके बाद वाला डिस्टर्बिंग कॉमिक मोमेंट ब्लैक पैंथर से रिलेटेड है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ नाम की कॉमिक में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां एक वायरस के फैलने की वजह से सारे सुपर हीरोज एंड विलन ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड वो बिना कुछ सोचे समझे इंसानों को खाना स्टार्ट कर देते हैं जो ज़ॉम्बीज़ नहीं बने होते हैं। वेल इन दिस सिचुएशन हमें पता चलता है कि हैंक पिम वाले एंट मैन ने ब्लैक पैंथर को बांध के रखा हुआ है एंड उसने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया है क्योंकि वो ब्लैक पैंथर के बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे अकेले ही खाना चाहता था। एंड उसने ब्लैक पैंथर को सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा था क्योंकि उसे फ्रेश चीजें खाना पसंद था। मतलब ये सीन कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तुम्हें किसी ने बांध दिया है एंड वो धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को खा रहा है एंड ड्यूरिंग ऑल दिस तुम जिंदा हो एंड हर उस दर्द को फील कर पा रहे हो। क्या भाई क्या चल रहा है ये। वेल एट लास्ट अल्टीमेटम कॉमिक का ही एक और मोमेंट आता है जहां ब्लॉब नाम का कैरेक्टर वॉस्प को जिंदा खा रहा होता है एंड वो ये भी कहता है कि वॉस्प के बॉडी का टेस्ट चिकन जैसा है। मतलब ये क्या चल रहा है। मूवीज में एक बूंद खून दिखाने में इनकी नानी याद आ जाती है एंड कॉमिक्स में ये खून की नदियां बहा रहे हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड वॉस्प को मरते हुए देख जायंट मैन भी अपने साइज को इंक्रीज करके ब्लॉब को पकड़ता है एंड उसके सिर को चबा के थूक देता है। एंड जो सुपर हीरोज का कैनिबल वाला बिहेवियर इन्होंने कॉमिक्स में दिखाया है मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी उसे मूवी में दिखा पाएंगे। वेल डिस्टर्बिंग मोमेंट्स यहाँ खत्म नहीं होने वाले हैं। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड ये वीडियो अगर तुम्हें जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस तुम्हारे तक रेगुलरली पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।